दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों की बात की जाए तो सर डॉन ब्रैडमैन ने सालों तक इस रिकॉर्ड पर राज किया है। बता दें, इस ऑस्ट्रेलियाई महान बल्लेबाज ने 52 टेस्ट मैचों की अपने करियर में 29 शतक जड़े थे। उनका आखिरी शतक 1948 में आया था, जो उस वक्त टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। डॉन ब्रैडमैन के शतकों का रिकॉर्ड 35 साल तक कायम रहा था। फिर इसे तोड़ने का गौरव सुनील गावस्कर, जो कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज थे, उन्हें हासिल हुआ। गावस्कर ने 1983 में 28 दिसंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ मद्रास टेस्ट में 30वां शतक लगाया था और आज इस खास उपलब्धि के अब 40 साल पूरे हो चुके हैं। सुनील गावस्कर के उस 30वें शतक की बात करें तो उन्होंने मद्रास टेस्ट के चौथे दिन अपना शतक पूरा किया था। उस टेस्ट का पहला दिन बारिश की वजह से खेला नहीं जा सका था, अगला दिन रेस्ट डे रहा। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 319 रन बनाए, लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। भारत ने अपने दोनों शुरुआती विकेट शून्य के स्कोर पर खो दिए थे। इसके बाद वेस्टइंडीज के तेज आक्रमण के आगे भारत की आधी टीम महज 92 रनों पर पवेलियन लौट चुकी थी। उस पारी में गावस्कर चौथे नंबर पर खेलने उतरे थे। उन्होंने रवि शास्त्री, जिन्होंने 72 रन बनाए थे, उनका साथ मिला और उन दोनों ने छठे विकेट के लिए 170 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की थी। आखिरकार सुनील गावस्कर मैच के चौथे दिन 149 रनों पर नाबाद लौटे। पांचवें दिन कपिल देव ने तब पारी घोषित कर दी, जब सुनील गावस्कर 236 रनों पर नाबाद थे और भारत का स्कोर 451 रन पे 8 विकेट था। गावस्कर के टेस्ट करियर का यह सर्वाधिक स्कोर भी रहा था। बता दें, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने 125 टेस्ट मैचों के करियर में 34 शतक लगाए थे। फिर उनका यह रिकॉर्ड आगे चलकर भारत के ही एक और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 10 दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 109 रन ठोक कर 35वां शतक लगाया था और इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। बता दें, अपने पूरे टेस्ट करियर में सचिन ने कुल 51 शतक लगाए हैं और 29 सेंचुरी लगाकर कोहली भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।